ये है इंडियन रेलवे की तरफ से बनाया जाने वाला पहला केबल स्टेट ब्रिज, जिसका नाम है अंजीखड़ ब्रिज। उधमपुर श्रीनगर बालामुला रेल लाइन के बीच में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है 111 किलोमीटर की लाइन कटरा टू बनिहाल, उसी के बीच में यह बनाया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के ग्राम और में बनाया जा रहा है। इसका क्या काम बाकी है और कितना काम हो चुका है उसके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। यहाँ देख लीजिए किस प्रकार से दिखता है अभी अंजीखड़ ब्रिज। इसका लगभग 90% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। 18 से 20 केबल ही बचती हैं जो कनेक्टेड होनी है और सेगमेंट्स रेडी हो चुके हैं और सिर्फ कनेक्टेड किए जाएंगे और हैंगिंग केबल्स लगाई जाएंगी। ऐसा लगता है कि सामने की तरफ ये ब्रिज पहुंच चुका है जो T2 टनल के बिल्कुल पास में, बट ऐसा नहीं है, अभी इसका काम होना है। आपको मैं बता दूं कि इसके 3 स्पैन थे, 2 स्पैन छोटे थे और एक मेन पाइलॉन था। मेन पाइलॉन तो कंप्लीट ही कंप्लीट है, उसके बाद जो 2 स्पैन थे, एक स्पैन जो रियासी सेक्शन की तरफ से वो कंप्लीट था, बट जो कटरा सेक्शन की तरफ से T2 की तरफ से वहाँ पे उसको बनाया जा रहा था, उसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने है किस प्रकार से अभी अंजीखड़ ब्रिज दिखता है। और आपको अगर रेड कलर में एक क्रेन दिख रही, इसी के सहारे आगे की तरफ जो सेगमेंट्स हैं वो कनेक्टेड किए जाते हैं और जैसे ही कनेक्टेड किए जाते हैं उसी प्रकार से हैंगिंग केबल रियासी सेक्शन और कटरा सेक्शन, अगर बात करें मेन पाइलॉन की, तो उस साइड से कनेक्टेड की जाती है। जितनी ही केबल्स रियासी सेक्शन से कनेक्टेड हुई हैं उतनी ही केबल्स कटरा सेक्शन की तरफ से, अगर बात करें मेन पाइलॉन से, उसी प्रकार से ये की जा रही हैं। अभी देखने लायक ये चीज़ है ये कब तक कम्प्लीट हो चुका होता है। मार्च 2017 में इसका काम जो स्टार्ट हुआ था इस ब्रिज का, और अब जो इसकी करंट डेडलाइन रखी गई है कंप्लीट होने की, वो अगस्त 2023 रखी गई है। ऐसे लगता है जिस प्रकार से इसका, जिस स्पीड से इसका काम हो रहा है, वो जल्द ही उससे पहले ही ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका है जाएगा। SCC कंपनी द्वारा ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सल्यूट है सभी इंजीनियर्स और वर्कर्स को जो जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। कड़कती ठंड और साथ में यहीं भी साथ में त्रिकुटा पर्वत है, यहाँ पे अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुई थी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल होती है। अब आने वाले समय में देखने लायक ये चीज़ है ये कब कंप्लीट होता है। नदी तल से 331 मीटर इसकी हाइट है। जो इसकी डिज़ाइन रनिंग स्पीड रखी गई है वो 100 किलोमीटर पर हावर्स की रखी गई है। अब और मैं आपको बता दूं कि ये आप अगर ब्लू कलर में आपको यहाँ पे एक टॉवर क्रेन देख रही हो, इसकी हाइट है 205 मीटर। जब इसको इंस्टॉल किया गया होगा कितना टफ चैलेंज होगा तब इसको इंस्टॉल करना टावर क्रेन को। इसकी जो कैपेसिटी है जो 40 टन के करीब बताई जाती है कि इसकी जो कैपेसिटी है 40 टन है इस टावर क्रेन की। जिस प्रकार से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है केबल क्रेन, उसी प्रकार से अंजीखड़ ब्रिज में बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है टावर क्रेन। इसी के सहारे पूरे ब्रिज को बनाया गया है। आपको मैं बता दूं कि इसकी जो लेंथ है 473 मीटर, इसकी लेंथ है T2 और T3 के बीच में इस ब्रिज की। आने वाले समय में देखने लायक चीज होगी ये कब तक कंप्लीट होता है। जैसे ही नया कुछ अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको मैं बता दूं एक चीज़ और कि रियासी जो रेलवे स्टेशन है वो भी इसके बिल्कुल पास में है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो भी पास में ही है। अगर आप चाहते हो कि हम इस ब्रिज को अंडर कंस्ट्रक्शन देखें, कटरा रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे ही ये अंजीखड़ ब्रिज है और लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज है। NH 144 से होते हुए आप इन दोनों ब्रिज को देख सकते हैं। ये थोड़ा दूर का दृश्य था, मैंने दिखाने का प्रयास किया है आपको किस प्रकार से दिखता है दूर से अंजीखड़ ब्रिज। आने वाले समय में देखते हैं क्या कब ये कंप्लीट होता है।